बर्फबारी जैसे हो रही है, ऊपर उपला एरिया ना वो पूरे पे बर्फ आ जाएगी पूरा। ये अपना है भेड़ फालकों का डेरा यहाँ पे, और तुम्हान जी ना मुझे वहाँ कहीं से ऊपर से कॉल करके बता रहे थे, बोला भाई यहाँ बहुत खतरनाक एरिया भाई, बहुत खतरनाक ठंड भाई, आग जला ली मैंने ना। और अब मैं क्या लगाऊंगा, नहीं मैगी बनाएंगे अभी हम, भेड़ फालक आएंगे अभी थोड़ा लेट, तो उतने वो आएंगे उतने में मैगी खाएंगे एक। जब भेड़ फालक आएंगे भाई ना तो एक जब भेड़ फालक आएंगे भाई तो एक और मैगी बना लेंगे हम ना, तो इस वाले बर्तन में हम मैगी बनाएंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे एक मैगी के लिए, हम सादी साधारण मैगी बनाएंगे। ये छोटे छोटे दो बच्चे भाई कैसे सो रहे हैं यहाँ पे देखो, आराम से बढ़िया ना, एक दूसरे के कैसे कंधे पे कंधा रखा हुआ उन्होंने, पेट के ऊपर रखा हुआ एक ने अपना मुँह। और ये मैंने भाई बर्तन रख लिया यहाँ पे मैगी बनाने के लिए, और ये अपनी मैगी यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ना हम ऐसे कर लेंगे, इसका चूर भूर कर लेंगे, थोड़ा तोड़ लेंगे इसको ठीक ठीक से, ताकि इसके बड़े जैसे वो ना हो, लच्छी जैसे ना हो। इसलिए तो बस जैसे पानी उबलेगा मैगी डालेंगे और मैगी बना लेंगे हम, और ऐसी जैसी जगह पे भाई मैगी खाएंगे हम अभी। जब भेड़ पालक आएंगे तो वो उनके लिए फिर और मैगी बनाएंगे हम, मैगी लेके आया हूँ मैं काफ़ी। मैगी तो भाई यहाँ पे अब उबलने लगी है, कुछ नहीं मैंने इसमें डाला भाई, सिर्फ पानी में डाल दी डायरेक्ट ना, और वो जो मसाला आता है मैगी के पैकेट के अंदर वो ये मसाला है, आधा सा डालूंगा ये भी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालूंगा। ऐसे तो क्या, ऐसे भूख सी लगती भाई थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैगी बना ली जाए। वैसे तो उन्होंने रखा हुआ था खाना यहाँ पे ना, चपाती चावल दाल भी है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैगी बनाई जाए गर्म गर्म, थोड़ी गर्म तो भाई ये वाला खाना भी हो जाना था, पर मैंने सोचा कि मैगी ही बनाते हैं, मैंने मैगी बनाना ज़्यादा मतलब अच्छा समझा। यहाँ पे बारिश चल रही है भाई ज़बरदस्त वाली, अब आज सुनो आप बारिश की। तो भाई ये ना अपनी मैगी बनकर तैयार होगी यहाँ पे, गरम गरम मैगी, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मसाले वगैरह डाले मैंने ना, तड़का वगैरह, और इस वाली कटोरी में खाएंगे अब हम। बाकी बारिश तो चल ही रही है, और अपने भेड़ पालकों की बकरियाँ मांझी वगैरह उस तरफ को आगे कहीं पार यहाँ दिख रही है हल्की हल्की भाई, छोटी छोटी बकरियाँ। बाकी ये देखो बर्फ़ ऊपर, स्नोफॉल, बारिश चल ही रही है अभी तक। ये ना मैगी बना ली मैंने, और अब इसको खा के देखते हैं कि कैसी बनी है, कैसा टेस्ट है इसका। दो दो जैकेट पहनी हुई है मैंने, और दो दो टोपियाँ लगी हुई है मेरे सिर के ऊपर। बाकी भेड़ पालक बकरियाँ वहाँ है पार सामने पे। बढ़िया टेस्ट है भाई, नमक डाला मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बाकी मैंने कुछ और नहीं डाला इसमें। हाँ जो मसाला था मैं गया वो डाला हुआ है, बाकी नहीं है कुछ भी। ऐसी जैसी जगह पे पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रहा है ऊपर पहाड़ पे, बारिश चल रही है और मैं मैगी खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है भाई। अभी भाई इस टाइम पे ना कोई नहीं है यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब ऐसे ब्लॉग करना भी ना अपने आप में एक वो है कि यहाँ पे कोई है नहीं, बस मैं ऐसे खुद से बातें कर रहा हूँ कि भाई मैं मैगी बना रहा हूँ ये सब, मतलब कि आप सब लोगों को मतलब पहले से ही मैं वो मान के चलाऊँगी, बस आपके साथ मैं बात करने लगा हूँ। बाकी क्यों है छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो ये मैगी खा लेते हैं अभी। अभी शाम का टाइम है, 6 बजने लगे हुए हैं, और मैं भेड़ पालकों के डेरे में हूँ ना अभी। ये अभी ये ना मनाली से ऊपर सोलनाला से ऊपर अटल टनल जो है ना उस वाली साइड को है कहीं पे। तो अभी भाई शाम का टाइम हो रहा है, रात होने लगी हुई है, और भेड़ पालक ने अपनी भेड़ बकरियाँ सामने से ऐसे इकट्ठी करने लगे हैं, यहाँ ऊपर वाली तरफ को इकट्ठी करेंगे, यहाँ पे भाई इकट्ठी करेंगे साथ में ऊपर वाली तरफ को। बारिश हुई भाई बहुत जोर से, और सामने के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है,
मैं भाई 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। मैंने अभी मैगी वगैरह बना ली, खा ली, सब बहुत सारी चीज़ें कर ली मैंने। अभी फिर बालक आएंगे यहाँ पे, मामा जी हैं, जी हैं, मान जी, छोटू भाई हैं, चाय वगैरह बनाएंगे इनके साथ। अभी यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, रात का डिनर वगैरह बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इनके साथ। कैंपिंग होगी भाई फुल नाइट और फुल रेन वाली, मतलब बारिश वाली, और फॉरेस्ट कैंपिंग होगी आज इनके साथ। अभी धीरे धीरे भाई रात होने लगी हुई है, और जैसे जैसे इनकी भेड़ बकरियाँ आने लगी ना, सारे की सारी टेंट के अंदर आने लगी हुई है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश चली हुई है। और 1-2 बजे के बाद ये सारी भेड़ बकरी ना बारिश से भीग रही हैं, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि एक सूखी जैसी जगह हो, क्योंकि इनके लिए कोई टेंट नहीं होता, कुछ तंबू वगैरह होता नहीं है, तो इसलिए ना अभी इस टेंट के अंदर आने लगी हुई हैं सारी। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, 2 जैकेटें मैंने पहनी हुई है, और अंदर गर्म एक शर्ट पहनी हुई है, और बस भाई ऐसा जैसा माहौल है अभी। बाकी जैसे सब लोग आते हैं तो फिर मिलाते हैं आपको इनसे, पता नहीं भाई क्या क्या होगा आज, तो मतलब रब भी बचाए यहाँ पे। ये देखो भाई, ये आ रही, देखो बकरी अंदर, देखो बोल रहे अंदर ही खड़े होना मैंने टेंट के अंदर, क्या करना, बाहर बारिश है बोला बहुत ज़्यादा। और ये भाई सारी इनकी भीड़ बकरियाँ यहाँ पे ना इकट्ठी लगी हैं उन्हें, और बारिश आ रही है भाई बहुत ज़्यादा, क्या करना। ये यहाँ पे देखो आग जलाई हुई है, ये टेंट इन्होंने लगाया हुआ है, ये फट गया हुआ है कहीं कहीं से। ये बकरियाँ फाड़ देती हैं यार, जैसे बकरी अंदर आ गई ना, ये बकरी अंदर आ गई तो सींग वगैरह मारेगी और फाड़ देगी इसको, कुछ तो ऊपर ही चढ़ जाती हैं इसे बाहर वाली तरफ से। जैसा जैसा माहौल है भाई यहाँ पे, क्या ही ख़राब माहौल है आज तो भाई यहाँ पे ना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी ठंड लगी हुई है यहाँ पे। छोटे भाई बुरा हाल है, बुरा हाल जी, बुरा हाल है यार, वे सुन लो इधर। ओ यार छोटू भाई बुरा हाल है, वे बुरा हाल है। छोटू भाई आइया, छोटू भाई आ गए यहाँ पे, तू भाई हमारे छोटू भाई आ गए यहाँ पे ना, वो पूरा भीगे हुए, देखो तुम बाल देखो छोटू भाई के, ओ माई गॉड बुरा हाल है छोटू भाई। बर्फ लगी थी पड़ने, पूरे ठंड गए छोटू भाई। भाई यार देखो छोटू भाई की लोर, देखो छोटू भाई लोर कर दो, बदल नहीं तो बदल दो। सारी बकरियां अंदर आ रही है भाई आज तो यार। ये वाली बोली थी भाई ने छोटू भाई ने चादर ओढ़ने के लिए, बट चादर से यार इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा आजकल भाई, बहुत हैवी वाली बर्फ आ बारिश आ रही है, हैवी वाली बारिश। कितने दिन तक मौसम भाई साहब? वह छोटू भाई मौसम तो आज ख़राब है, कल 30% बारिश है, फिर थोड़ा साफ है, फिर अगले 5-7 दिनों के बाद है फिर से, क्या करना। बारिश चल रही है भाई ज़बरदस्त तरीके के साथ यहाँ पे ना, बहुत बुरा हाल है। जितनी भी भेड़ बकरियाँ आ रही ना, सब टेंट के अंदर आना चाह रही हैं, क्या थी अंदर ही रहना भाई आज। छोटू भाई लगे हैं बार बार भगाने इनको, फिर क्या भगाना इनको। ये हमारे मां जी जी आ गए भाई, पूरी तरह से भीग रहे हैं, बुरा हाल है मां जी जी का। ओ मां जी जी क्या होगा आपका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। मां जी ने जो मतलब ये उड़ा हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, पट्टू ऊन का बना हुआ, पूरा गीला हुआ है, पूरा गीला हुआ है, पर देखो अंदर से ना जैकेट थोड़ी थोड़ी सूखी है, बाकी नीचे पूरा पजामा पजूमा जूते देखो मां जी के, पैंट देखो मां जी की, पूरा हिसाब किताब। और
खड़ी हो बोले भाई साहब, छोटू ना लकड़ी को बोल रहे हैं, बोले खड़ जाओ भाई साहब, ये नहीं खड़ रही है यहाँ पे, घूम रही है चारों तरफ ना। एक तो बारिश पड़ रही है ऊपर से, क्या फन है मेरे लिए, और इन बंदों की जिंदगी तो भाई क्या जिंदगी है। ऐसे सिंपल वाली कैंपिंग करनी हो ना सीरेन में बारिश में, तब तो है मजा बढ़िया, बट इनकी लाइफ यार बड़ी टफ है भाई, बहुत टफ है। जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ऐसी बारिश में तो प्यार घड़ी क्या दो घड़ी हो जाना इधर। छोटू भाई भाई अब चाय लगे हैं बनाने ना यहाँ पे, क्या ही करेंगे यार। और इनकी सारी भेड़ बकरियां भाई अंदर ही आ रही है टैंक के अंदर। ये बनने लगी है भाई चाय यहाँ पे ना, और आग भी जलने लगी है धीरे धीरे ठीक ठाक सी। और अब बारिश बारिश बड़ी भारी हो रही है भाई यहाँ पे, बहुत ज्यादा बारिश चल रही है। ये आई भाई चीनी चाय के अंदर, दूध तो है ना छोटू भाई, कहाँ है, नहीं खत्म है वो, खत्म है, किसने डाल दिया, कुत्तों ने पी लिया है वो आपके। छोटू भाई ले आए भाई बकरी का दूध निकाल के ना चाय बनाने के लिए, यार कितनी वो है बकरियों के लिए लाभदायक, दूध भी देती है इनको पीने के लिए, और इनको भगानी पड़ रही है यहाँ से, टेंट से बाहर करनी पड़ रही है, बोला भाग जाओ यहाँ से भाई। भाई मामा जी ना अभी अभी आए बाहर से, और देखो जो चादर ओढ़ी उन्होंने वो पूरी गिल्ली हुई है, तो उसको निचोड़ने लगे हुए हैं। एक्चुअली में ऊन वाली चादर नहीं है ना, सिंपल वाली चादर है, लुधियाना वाली है ना ये तो ऐसी ही होगी भाई फिर। बट जो मामा जी ने कोट पहना हुआ है ना वो बिल्कुल ऊन का है, तो उसके अंदर पानी तो जाता नहीं है। Yeah.